अपनी खूबसूरती से लोगों के दिलों को आज भी धड़काने वाली रेखा को लेकर बॉलीवुड में कई किस्से हैं। रेखा का नाम यूं तो सिनेमा जगत के कई दिग्गज सितारों के साथ जुड़ा, लेकिन उनका इश्क कभी पूरा नहीं हो सका। यही कारण है कि 68 साल की उम्र में भी वो अकेली हैं। आप सभी ने विनोद मेहरा और अमिताभ बच्चन के साथ तो रेखा का नाम सुना होगा। हालांकि क्या आप जानते हैं कि रेखा ने किरण कुमार को भी डेट किया था? इतना ही नहीं बल्कि इनके ब्रेकअप की वजह भी काफी हैरान करने वाली थी। गौरतलब है कि एक्टिंग करियर के दौरान रेखा हिंदी सिनेमा की सबसे खूबसूरत और बेहतरीन अभिनेत्रियों में से एक थी। ऐसे में उस समय उन पर जान लुटाने वालों की कोई कमी न थी। रेखा का दिल वैसे तो कई सितारों के लिए धड़का, हालांकि उनके दिल में आने वालों की लिस्ट में एक एक्टर ऐसा भी था जिसके साथ रेखा के नाम के चर्चे तो जरूर थे, लेकिन बहुत कम लोग उनके इस अफेयर के बारे में जानते थे। दरअसल हम बात कर रहे हैं हिंदी सिनेमा में अपने विलेन के रोल के लिए जाने जाने वाले किरण कुमार की। कहा जाता है कि रेखा फिल्मों में विलेन का रोल निभाने वाले एक्टर किरण कुमार के संग भी रिलेशनशिप में थी। दोनों के बीच जितना प्यार था उतना ही दोनों के बीच झगड़ा भी होता ही रहता था। साथ ही दोनों का रिलेशन काफी उतार चढ़ाव बढ़ा रहा और यही कारण है कि ज्यादा लोगों को इस बारे में नहीं पता है। हालांकि अपने इस रिलेशनशिप को लेकर रेखा ने साल 1975 में एक मैगजीन इंटरव्यू के दौरान खुलकर बातचीत की थी। इस इंटरव्यू के दौरान ही रेखा ने किरण कुमार संग अपने रिश्ते का खुलासा करते हुए बताया था कि उनकी एक आदत की वजह से वह अक्सर परेशान हो जाया करती थी और वो आदत थी किरण कुमार मम्मा बॉय थे। जी हाँ, और किरण कुमार की इसी आदत ने रेखा से उन्हें हमेशा के लिए दूर कर दिया। दरअसल किरण कुमार अपनी मम्मी के आज्ञाकारी बेटे थे और उनकी आज्ञा के खिलाफ कुछ भी नहीं करते थे। इसके साथ ही वो कभी देर रात तक बाहर नहीं रुकते थे, चाहे कितना भी जरूरी काम हो किरण हर रात एक निश्चित समय के बाद घर लौट जाया करते थे। उनके इस आदत के बारे में बताते हुए रेखा ने कहा था कि वो उनके साथ देर रात घूमने का प्लान नहीं बना सकती थी। वो किसी भी तरह 10 बजे तक घर पहुंच जाते थे और इसके पीछे की वजह थी दूध का गिलास। सुनकर आपको हैरानी हुई होगी ना, आखिर दूध का गिलास दोनों के रिश्ते के बीच कैसे आ सकता है? तो आपको बता दें कि किरण की माँ हर रात उनके लिए दूध का गिलास रखती थी जो उन्हें पीकर खत्म करना ही होता था। यही वजह है कि वो हर रात 10 बजे तक घर पहुंच जाते थे। किरण की आदत रेखा को बहुत परेशान किया करती थी। हालांकि सिर्फ रेखा ही किरण की आदत से परेशान नहीं थी, रेखा की भी एक आदत थी जिसके कारण किरण कुमार बहुत परेशान होते थे, और वो आदत थी रेखा किरण की एक्स गर्लफ्रेंड की आवाज में उन्हें फोन करती थी जिससे किरण नाराज हो जाते थे। हालांकि दोनों के ब्रेकअप की वजह दोनों की ये आदत नहीं बल्कि किरण के पिता थे। दरअसल मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक रेखा और किरण का साथ किरण कुमार के पिता को बिल्कुल भी पसंद नहीं था। कहा जाता है कि किरण कुमार के पिता जीवन कुमार नहीं चाहते थे कि रेखा उनके घर की बहू बने और इसी वजह से दोनों का रिश्ता टूट गया।